अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य और बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। मोदी सरकार ने एक एक करके देश की सभी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। भगवान राम के मंदिर निर्माण की शुरुआत का श्रेय पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने मोदी सरकार को दिया। उन्होंने कहा, देश में केंद्र सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसकी भविष्यवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही कर दी थी। जनता को साथ में लेकर चलने का काम यदि देश के किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। मुझे याद है परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो हमारे राम जन्म न्यास के अध्यक्ष थे, उनकी अंत्येष्टि में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अयोध्या आए थे और परमहंस जी की चिता जल रही थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज राम जन्म न्यास के अध्यक्ष तो चले गए और हो सकता है मैं भी चला जाऊँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता आएगा जो आप सबकी समस्याओं का समाधान करेगा। और गरीबों की मदद सबको खुल के करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोगों को ये एक मार्गदर्शन दिया गया कि हाँ कराना है, ये आप लोग कराइए, वृक्षारोपण के तहत कराइए, चाहे साफ सफाई के तहत अपने क्या कहते हैं कार्यक्रम दीजिए, चाहे लोगों को भूखे लोगों को भोजन करा करके वस्त्र वितरण करके कुछ भी किसी भी तरीके से करिए, लेकिन एक मैसेज ये देना है समाज में कि हाँ सबकी मदद, सबको मदद पहुँचनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं।